बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। हेलो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक्सेल में क्लिक कर देना है। फिर आपको सबसे नीचे आना है। फिर आपको फर्स्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे टैप कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना, आप जिस फ़ोटो पे स्टेटस बनाना चाहते हो। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर से आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर से आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर से आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर से आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको थोड़ा कहना है। फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको अगले लेयर पे टैप कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कलर एंड फिल पे टैप करना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। ऐसे आपको फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है।